हो गया। यदि 48 रेशियो बी रेशियो 75 हो तो बी का मान है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 48 रेशियो बी समान और बी रेशियो 75 हो तो, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग करते हैं 48, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 48 अपन बी इज इक्वल टू और यहाँ पे बी अपन 75, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 75। अब यहां से बी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, रुकिए, बी इज इक्वल टू 48 अब 75 हम लोग कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ के बाद अगर कोई बच्चा ऐसा रहेगा जो लगेगा मल्टीप्लाई करने और उसके बाद कोई बहुत बड़ा सा नंबर लेके आएगा फिर अंडर रूट निकालेगा, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच। तो हम लोग 48 को कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 16 इंटू 3, ठीक है, और इंटू उसी तरह 75 को कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 25 इंटू 3। अब देखिए 3 इंटू 3 ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है। 25 का कितना होता है, 5 होता है। तो यहां से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, 4 3 12 12 5 60, यानी कि जो आपका b का वैल्यू आ गया वो 60, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना हो जाएगा।